हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आरपीएससी सेकंड गेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। दीपक उप्रेती का बयान सामने आया है दोस्तों। तो यहां पर पेपर में फर्जीवाड़ा को लेकर आज की ये एक बड़ी खबर देखने को मिली दोस्तों। तो पूरी जानकारी मैं स्टूडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो बने रही दोस्तों इस रुपये अंत तक। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हिंदी का पेपर लीक होने के बाद में यहाँ पे दीपक उप्रेती के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान देखने को मिले रहा है कि पेपर में फर्जीवाड़े को लेकर कुछ उन्होंने नए नियम लागू कर दिए दोस्तों। तो देखिए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, आरपीएससी करेगा विचार गड़बड़ियाँ रोकने की कवायद। तो देखिए आरपीएससी जो भी भर्ती निकालती हैं और उसमें अधिकतर यही सामने आता है कि भर्ती या फिर कोर्ट में जाती हैं पेपर लीक के कारण। तो देखिए क्या लिखा है कि परीक्षा में टॉयलेट जाने की मंजूरी मिले या फिर नहीं। तो देखिए ये जो टॉयलेट की भी यहाँ पे जो मंजूरी है वह अब बंद की जा सकती है। देखिए तो यहाँ पर आर्टिकल क्या छपा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों को टॉयलेट जाने की मंजूरी देने अथवा रोकने को लेकर मंथन में जुटा है। इसे परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने की कवायद से जोड़ा जा रहा है। इसमें गंभीर रूप से बीमार और रोगी अभ्यर्थियों को छोड़ा जाएगा। उच्च स्तरीय चर्चा के बाद ही आयोग कोई नीतिगत फैसला लेगा। आयोग के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के दौरान बाड़मेर में हिंदी का पेपर व्हाट्सएप पर आया था। जांच के दौरान वो पेपर में को टॉयलेट में मोबाइल से फोटो खींचना और व्हाट्सएप पर भेजना सामने आया। और इसके अलावा एक दर्जन के अभ्यर्थियों के बार बार टॉयलेट जाने की जानकारी भी मिली। पूर्व में कुछ एक परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के कई बार टॉयलेट जाने अथवा वहाँ तयशुदा अवधि से वापस नहीं आने पर वक्त बिताने की आंतरिक रिपोर्ट मिलती रहती है, लेकिन आयोग अब इससे नियमित शारीरिक प्रक्रिया मानते हुए ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो देखिए यूँ मिलती है टॉयलेट जाने की अनुमति और बदलाव की मंशा। तो अब कड़े कानून कर दिए गए हैं और अब सभी को टॉयलेट जाने की भी अनुमति नहीं होगी। तो देखिए अगर परीक्षा 2 घंटे की है तो टॉयलेट जाने की इजाज़त नहीं। 3 घंटे की परीक्षा अवधि में नियम यथावत रखा जाए। गंभीर बीमारी किडनी वगैरह के होंगे उन्हीं को यहाँ पर उनके लिए रोक नहीं है। और परीक्षा के दौरान टॉयलेट के बाहर जो हैं पुरुष महिला कार्मिकों की नियुक्ति, लंबी अवधि तक टॉयलेट में रुकने वालों की विशेष जांच, परीक्षा शुरू होने से पहले टॉयलेट शौच नियुक्ति पर विचार। और देखिए यहाँ पर दीपक उप्रेती जो कि अध्यक्ष हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि टॉयलेट जाना एक शारीरिक प्रक्रिया का हिस्सा है। फिलहाल सभी परीक्षाओं में नियम यथावत है, लेकिन बाढ़ में जैसे मामलों को देखते हुए भविष्य में इस नियम में कुछ फेरबदल या नवाचार संभव हैं। तो देखिए आरपीएससी का जो यहाँ पे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम किया था उसमें टॉयलेट में देखिए गड़बड़ी देखने को मिली थी, पेपर लीक कर दिया गया था टॉयलेट से ही। तो इसी को लेकर अब यहाँ पर मंथन चल रहा है कि टॉयलेट की मंजूरी है उसको बंद कर दिया जाए और अब तो मात्र जो बीमारी से ग्रसित हैं उन्हीं को यहाँ पर टॉयलेट की मंजूरी दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। और 2 घंटे हैं, 2 घंटे में तो नहीं दी जाएगी, 3 घंटे वाले में भी यथावत यानी कि एक नियम रखा जाएगा जिसमें आप टॉयलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर बड़ी खबर देखने को मिल रही है और दीपक उप्रेती ने बयान दे दिया है अपना कि जैसे बाड़मेर में हालात हुए हैं वैसा हम और किसी भी भर्ती में नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बाड़मेर में जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद हम ऐसा किसी भर्ती में नहीं जाएंगे। इसी को लेकर हमने ये विचार किया है कि अब आरपीएससी की जो भर्तियां निकलेगी उसमें ऐसी गड़बड़ी नहीं सामने आई, उसी को लेकर यह निर्णय दिया गया है। और दोस्तों बड़ी खबर इसी वक्त की यही है आज की। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बस में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।